हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इसरो का जो नया मिशन है आदित्य L1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मैंने 14 क्वेश्चन भी ऐड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1 जो मिशन है ये भारत का पहला सूर्य के अध्ययन के लिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये लॉन्च हुआ है 2 सितंबर 2023 को। ये सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है श्रीहरिकोटा वहाँ से लॉन्च किया जाता है। रॉकेट का नाम है PSLV-C57। इसमें 4 स्टेज है। 4th पे है लिक्विड फ्यूल, 3rd पे है सॉलिड, 2nd पे है लिक्विड जहाँ पे विकास इंजन लगा हुआ है, 1st स्टेज पे है सॉलिड फ्यूल। आदित्य L1 का जो टारगेट पॉइंट है वो L1 पॉइंट है जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस है, और इसके बारे में कुछ और हम क्वेश्चन आगे जानेंगे। L का मतलब है लैग्रांज बिंदु, यानी दो खगोलीय बिंदु के एक के मध्य एक जैसा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहाँ पे इक्वल हो जाता है, और उसी इक्वल पॉइंट को हम L कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य तो जो दूरी है, ये जो L पॉइंट है 1% दूरी पर स्थित है, और टोटल 5 L पॉइंट है जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इक्वल होता है, L1, L2, L3 और L4 और L5। इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं और इनका नाम है VALC। पहला है जो कोरोना की स्टडी करेगा, सोलेक्स हो गया या फिर SCL-10X है, वो एक्सट्रीम फेलियर्स की स्टडी करेगा, यानी वहाँ पे जो भी तूफान वगैरह आते हैं उसकी स्टडी करेगा। MSG ये L का स्टडी पॉइंट है। PA जो सोलर वाइंड की स्टडी, यानी वो सौर जो हवा है पवन है उसका अध्ययन करेगा। एस्पेक्ट जो है ये भी सौर हवाओं का अध्ययन करेगा। सूर्य सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, या ये सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरों को खींचेगा। आदित्य L1 जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ नियरेस्ट स्टार सन, यानी सन के बारे में अध्ययन करना। सौर फ्लेयर्स यानी तूफान के बाहर जो भी तूफान वगैरह आते हैं उसके बारे में अध्ययन करना। कोरोना का अध्ययन करना, प्लाज्मा का अध्ययन करना, सौर हवाओं का अध्ययन करना और अल्टीमेट एनर्जी सोर्स के बारे में अध्ययन करना। और नोट्स पे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो मिशन है वो है पार्कर सोलर प्रो जो नासा यानी USA का मिशन है। टॉपिक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1। सेकेंड क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन ये लॉन्च हुआ है 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 मिशन का किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है PSLV-XL-C57। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 मिशन में L का जो तात्पर्य है वो है लैग्रांज, जहाँ पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इक्वल होता है। फाइव क्वेश्चन है हमारा, L1 बिंदु पृथ्वी से जो दूरी है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 सौर प्रणाली के L1 के किस स्थान पर जो हेलो ऑर्बिटर है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। लैग्रांज जो पॉइंट है इसका नामकरण किस इटाली फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पे किया गया है? तो जोसेफ लुइस जो लैग्रांज है उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। एट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 को शुरुआत में क्या नाम दिया गया? तो शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया है। नाइन क्वेश्चन है हमारा, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश है। टेन क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 मिशन है इसके लॉन्च के कितने दिन बाद ये L1 पॉइंट तक पहुंचेगा? तो L1 पॉइंट तक पहुंचने में टोटल 127 डेज लगेंगे। 11 क्वेश्चन हमारा, आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पे है VALC, इसका फुल फॉर्म होता है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ।
सोच इसका फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलिस का फुल फॉर्म होता है सोलर लॉ एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। HCl-10S का फुल फॉर्म होता है हाई एनर्जी एल्वन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एस्पेक्स का फुल फॉर्म है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। PAP का फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। सेवन पे हमारा एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। अब हम बात करें कि जो भी सात पेलोड है इनका क्या कार्य है। तो फर्स्ट पे हमारा VELC, इसका कार्य है सूर्य की सबसे बाहरी जो परत है कोरोना उसके बारे में अध्ययन करना। सेकेंड पे हमारा सूट, इसका कार्य है अल्ट्रा वायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की अध्ययन करना और उसके तस्वीरों को खींचना। सेकेंड पे फोर्थ पे हमारा सोलेक्स, सोलेक्स हो गया या फिर HCl-10S हो गया, इसका कार्य है सूर्य से आने वाले जो एक्सरे किरणें हैं उनके बारे में पता करना, उनके बारे में अध्ययन करना। सेवेंथ पे हमारा मैग्नोमीटर पेलोड, इसका कार्य है जो एल्वन बिंदु पे दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापना। 12th क्वेश्चन है हमारा आदित्य एल्वन की जो अवधि लगभग 5.2 ईयर्स है। 13th क्वेश्चन है हमारा इसरो के आदित्य एल्वन मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। इसके जो आदित्य एल्वन के जो प्रोजेक्ट निदेशक हैं वो है निगार साजिब। आदित्य एल्वन अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो है गायत्री मल्होत्रा। 14th क्वेश्चन है हमारा आदित्य एल्वन सौर मिशन का कुल द्रव्यमान जो है वो है 1475 kg। पेलोड का द्रव्यमान की बात करें तो वो है 244 kg।